हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से एक अनाउंसमेंट रहेगी आप सभी के लिए, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि आपके टेट क्वालिफाई कर चुके हैं। बाकी थंबनेल आपने देख लिया होगा, टाइटल आपने देख लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में। हम बात कर रहे हैं आपके TGT आर्ट्स की स्पेशली। तो एक चीज़ आपने याद रखनी, सिर्फ ये आर्ट्स वालों के लिए रहेगा, मेडिकल नॉन मेडिकल वालों के लिए नहीं रहेगा। तो TGT आर्ट्स आपके पास कमीशन होने वाला है 2022 23 2022-23 में। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो है ऐसा पॉसिबल है कि 22 में आपकी नोटिफिकेशन हो जाएगी लास्ट तक, और 23 में आपका एग्ज़ाम होना लगभग तय है। और ये मैं इस किस बेस पे कह रहा हूँ, क्योंकि जो है हाल ही में आपको न्यूज़ में भी देखने को मिला होगा और अप्रूवल के लिए आपकी पोस्ट ये चली गई है। तो इस करके जो है TGT आर्ट्स कमीशन का मैं ऑनलाइन बैच आपके लिए लेने वाला हूँ। तो ऑनलाइन क्लासेस रहेगी, जिस तरह से आपकी जो है HP टेट के लिए प्रोवाइड मैंने करवाई थी गूगल मीट के थ्रू, उसी तरह से आपकी यहाँ पे TGT आर्ट्स कमीशन की ये क्लासेस मैं आपके लिए लेने वाला हूँ। तो कब से ये क्लासेस होगी, फीस कितनी इसमें रहेगी, और जो है किस तरह से जो इसमें कितने टोटल सब्जेक्ट्स हम इसमें कवर करेंगे, किस तरह से हमारी प्रिपरेशन रहेगी, इन सभी के बारे में इसमें अब डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कमीशन की क्लासेस के लिए वो वीडियो को आगे देख सकता है। बाकी बात करें कि क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो अगर हम क्लासेस की बात की जाए, टोटल पहले आप देख लीजिए कितने ये मंथ का आपका कोर्स रहेगा ऑनलाइन क्लासेस का। तो फोर मंथ में आपकी जो है कंप्लीट आपका जो है TGT आर्ट्स कमीशन की प्रिपरेशन कंप्लीट करवाई जाएगी। 4 मंथ का ये कोर्स रहेगा। और ये कब से अब स्टार्ट होगा, तो ये स्टार्ट होगा आफ्टर टेट आपके जो है, जब भी यहाँ पे अभी जो टेट आपका जो जून में हुआ है उसका जैसे ही रिजल्ट आपका आएगा, रिजल्ट के बिल्कुल जो है 5 से 10 दिन के अंदर अंदर ये क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात है कि कब तक ये चलेगा, तो जाहिर सी बात है अगर 15 सितंबर तक आपका जो है रिजल्ट देखने को मिल जाता है तो ये क्लासेज आपकी 15 जनवरी तक आपकी चलेगी। और एग्ज़ाम कब तक होने के चांसेस है, मार्च से अप्रैल। तो यानी कि लास्ट के जो 2 और 3 मंथ आपके लिए वो बच जाएंगे आपके रिविज़न करने के लिए, कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें आपको जो पढ़नी होगी उसके लिए, करंट अफेयर वगैरह इस तरह की चीज़ों के लिए आपके लिए समय बच जाएगा इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद। तो खुद से प्रिपरेशन करना यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, पहली बात, स्टार्ट आपका कब होगा बैच, आपके जैसी टेट का रिजल्ट आपके आ जाता है इस बार का, उसके बाद ये क्लासेज आपकी स्टार्ट होगी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स सिर्फ 100 एडमिशन रहेगी, 100 सीट से ज़्यादा मैं आपका बैच नहीं बिठा पाऊँगा। ये भी उन्हीं के लिए, क्योंकि जो है आजकल भी बहुत से मैसेज आ रहे हैं सर कमीशन की क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, और इसी करके जो है सिर्फ 100 सीट्स रखी है, क्योंकि जो है मुझे खुद भी प्रिपरेशन करनी है तो दिन में एक ही क्लास में ले पाऊँगा, तो ये लिमिटेशन रहेगी, सिर्फ 100 सीट्स यहाँ पर रहेगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फीस की हम बात करते हैं, फीस इसमें कितने तक हो सकती है। अगर आप अभी भी जाकर देखें, कोई भी कोचिंग सेंटर आप चले जाना और ऑफलाइन जो क्लासेज आपकी प्रोवाइड करवाते हैं ऑनलाइन ही आपने देख लेना, तो कम से कम जो है अभी जो फीस स्ट्रक्चर आपका जो चल रहा है मार्केट में, अगर आप देखें तो 10 से 15,000, 10 से लेकर 15,000 तक चार्जेस आपके वो कर रहे हैं। और आपको पढ़ा कौन टीचर रहे हैं, मैक्सिमम वो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो जो आपके कोचिंग सेंटर जितने भी चल रहे हैं और HP की अगर हम बात करें, किसी एक पर्टिकुलर का मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि जो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस करके मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, 10 से लेकर 15,000 तक आपके जो है चार्जेस पे करते हैं जितने भी कोचिंग सेंटर है, और उसमें पढ़ाने वाले मैक्सिमम आपकी जो फैकल्टी होती है वो होती है जिन्होंने ये एग्ज़ाम कभी दिया ही नहीं है, उसके बावजूद भी आपको इतना चार्जेस करते हैं। किस बेस पे एनालिसिस वो करते हैं कि किस तरह का पेपर आपके एग्जामिनर द्वारा सेट किया जाएगा, सेम स्ट्रेटेजी मेरी रहेगी, एनालिसिस किया जाएगा कि मेरे द्वारा कि किस तरह का जो पेपर ये आपका आएगा। और क्योंकि 2 बार मैंने खुद भी ये एग्ज़ाम पहले दिया है तो मुझे थोड़ा सा आइडिया भी रहेगा कि हाँ किस तरह से एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो मेरी खुद की प्रिपरेशन भी है, आपकी भी है, मिलकर करेंगे सारे। और इसमें टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने रहेंगे, 11 सब्जेक्ट। कौन कौन से 11 सब्जेक्ट है वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मैं इसमें आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और अभी देख लेते कि फीस, मैं आपको कह रहा था कि फीस इसमें कितनी रहेगी 4 मंथ की, तो क्योंकि आपने जो है अगर टेट की प्रिपरेशन में सब पहले भी की होगी तो आपको पता है कि रीजनेबल आपके चार्जेस यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर जो 4 मंथ के लिए सिर्फ आपसे जो है चार्जेस रहेंगे 5,000 रुपीज़ आपके ओनली चार्जेस रहेंगे। बाकी कहीं भी जाकर आपने मार्केट में चेक कर लेना कि इतने कम चार्जेस में आपको TGT आर्ट्स कमीशन की जो है कोई भी कोचिंग प्रोवाइड नहीं करवाने वाला। दूसरी बात,
इसके बाद अगर आपने नोट्स लेने होंगे, नोट्स के अलग चार्जेज है 500। नोट्स तो आप अभी भी ले सकते हैं, उसके लिए तो आप मुझे मैसेज कर देना 9817783916। जब तक आपका ये रिजल्ट नहीं आ जाता टेट का, तब तक जो आप चाहे तो इन नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। नोट्स की ऑल पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, अभी भी है, और बाद में भी इन चार्जेस के एक्स्ट्रा अगर आप नोट्स लेना चाहे तो नोट्स आप ले सकते हैं। बाकी अगर आपको क्लासेस आपने लगा ली तो आप नोट्स जो है इन 4 मंथ के अंदर खुद भी अपने बना सकते हैं, तब आपको जो है नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स लेने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपको लास्ट में रिवीजन करना होता है 15 से 20 दिन में। तो 15 से 20 दिन में बेस्ट मेथड आपके नोट्स ही रहेगा। ठीक है, इतनी सी बात होगी। अब मैंने बता दिया कि कब से आपकी ये स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके टेट के रिजल्ट के बाद स्टार्ट हो जाएगी। फीस कितनी रहेगी, फीस आपकी इतनी रहेगी। और नोट्स आपके जो है लेने हो तो नोट्स के लिए आपको जो इस नंबर पे मुझे मैसेज करना है, ये आप देख लेना। और बात की जाए अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है इन 4 मंथ के अंदर हम कौन कौन से कवर करेंगे, मैं आपको बताना रहने देता हूँ। टोटल आपके जो 11 सब्जेक्ट से आपका जो है देखा जाता है, 11 सब्जेक्ट से आपके पास टीजीटी आर्ट्स कमीशन का एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, कितना डेप्थ में जाकर पढ़ना है वो आपको क्लासेस में ही देखने को मिल जाएगा कि कितना डेप्थ में जाकर पढ़ना है। पहले आप ये सब्जेक्ट अगर आपने लिखने तो लिख लीजिए, हालांकि ये 12 से लेकर 13 तक आपकी इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन जो 11 तो आपके है ही, कम से कम 11 सब्जेक्ट से आपका ये एग्ज़ाम रहता है। तो उसमें जो अगर आप देखिए तो पहले आप इंग्लिश हिंदी आप ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों ग्रामर सेक्शन रहेगा। ठीक है, इसमें भी आगे सिलेबस आपका बना है कि हिंदी के आपके कौन कौन से टॉपिक रहते हैं और आपके इंग्लिश के कौन कौन से हैं, वो आपको नोट्स के अंदर भी आपको मैंने मेंशन किया है। जो आपको नोट्स मिलेंगे उसके अंदर फर्स्ट पेज आपका यही है कि आपके जो कौन कौन से टॉपिक आपके जो किस सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हमीरपुर बोर्ड द्वारा, जो टीजीटी आर्ट्स कमीशन आपका करवाया जाता है। बाकी हिंदी की बात की जाए, इंग्लिश आपका रहेगा। इसके अलावा बात की जाए, आपके पास रीजनिंग सेक्शन, रीजनिंग आपके पूछा जाएगा। इसके अलावा जो आपके पास इसमें पूछा जाएगा साइकोलॉजी सेक्शन। इसके अलावा आपसे पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इसके अलावा इंडियन जीके, वर्ल्ड जीके आपका रहेगा इंक्लूड। इसके अलावा जो है इकोनॉमिक्स आपसे देखा जाएगा। और साथ ही अगर मैं बात करूँ इसके अलावा कुछ एक सेक्शन आपका साइंस का यहाँ पे देखने को मिलता है, हिस्ट्री थोड़ी और ज़्यादा डेप्थ में आपके देखने को मिलती है, इसके अलावा आपको देखने को मिलता है करंट अफेयर। तो ये आपके 11 सब्जेक्ट है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि 11 कौन कौन से हैं, हो सकता है मेरे 11 ना आए हो गिनने में। तो पहला इंग्लिश, सेकेंड आपका हिंदी, थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड में आपके पास रीजनिंग, फोर्थ की बात की जाए तो आपके पास साइकोलॉजी सेक्शन, फिफ्थ की बात की जाए आपके पास इसमें रहेगा साइंस, सिक्स्थ की बात की जाए इको आपका रहेगा, इसके अलावा सेवन्थ की बात की जाए पॉलिटी आपका रहेगा, एट्थ की बात की जाए हिस्ट्री रहेगा, नाइन्थ की बात की जाए जियोग्राफी रहेगा, और टेंथ की बात की जाए HPGK रहेगा। 11 की बात की जाए तो आपका करंट अफेयर यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो है कुछ अगर इसमें और बच गया है तो एक बार देख लेना। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग हमने बता दिया, साइकोलॉजी बता दिया, साइंस बता दिया, इको बता दिया, पॉलिटी बता दिया, हिस्ट्री बता दिया, जियोग्राफी बता दिया, और इसके अलावा जो है GK सेक्शन, HPGK आपका देखने को मिलेगा। तो ये कुछ 11 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं TGT आर्ट्स कमीशन के अंदर। तो ये सारे हम कवर करेंगे 4 मंथ के अंदर। और किस हिसाब से करेंगे, आपकी इंग्लिश की रहेगी 10 क्लासेस, हिंदी की रहेगी 10 क्लासेस, हर सब्जेक्ट की 10 क्लासेस आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होगी 4 मंथ के अंदर, आपकी जो है अगर देखा जाए 30 के हिसाब से 120 आपकी क्लासेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यानी कि 120 क्लासेस आपकी होगी। तो 120 क्लासेस के चार्जेज आपके 5000 रहेंगे, और इस 120 क्लासेस में आपके 11 सब्जेक्ट आपके कवर किए जाएंगे। संडे ऑफ रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी अगर बात की जाए कि ये क्लासेस आपकी होगी डन है, तो मेरे हिसाब से अभी तक तो बिल्कुल डन है। तो अभी क्योंकि जो है मुझे लगता है कि मुझे अपनी प्रिपरेशन भी करनी है, तो ऐसे में एक ऐसा ग्रुप बनाया जाएगा जो कि डिस्कशन भी हम उसमें करेंगे, हम चीज़ें करेंगे भी, और अब आपके सुझाव भी लिए जाएंगे, कुछ एक सुझाव मेरे दिए जाएंगे। जो चीज़ें मुझे करवाने वाली हो वो आपको करवाई जाएगी, जो चीज़ें हमारे को अंडरस्टैंड करनी है हम सभी को, तो वो हम एक ये मान लीजिए कि क्लासेस का एक ग्रुप आपका डिस्कशन ग्रुप ये ज़्यादा होगा। जो चीज़ें मुझे पढ़ानी है, जैसे साइकोलॉजी मुझे पढ़ानी है, हिस्ट्री पढ़ानी है, पॉलिटी पढ़ानी है, पढ़ाने को मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। जैसे कि आपके मान लीजिए कि आपकी इंग्लिश के 10 लेक्चर आपके हो गए, उसके बाद इसको अंडरस्टैंड किया जाएगा, किस तरह के प्रश्न आपके बनेंगे, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे इन क्लासेस के अंदर हम
देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है प्रेशर आपके ऊपर भी रहेगा, क्योंकि जो है यहाँ पे हम डिस्कशन मेथड का ज़्यादा यूज़ करेंगे बजाय कि हम जो है यहाँ पे रट्टे वाली प्रवृत्ति लगाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर जो है प्रश्न इस तरह से पूछता है कमीशन के अंदर कि वो डेप्थ में गहराई में जाकर आपके देखने को मिलते हैं, वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आने की संभावनाएँ बहुत कम है, जैसे कि आपके टेट एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ एक प्लान है मेरे माइंड में, बताइएगा कि आप में से कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस क्लास के लिए।